फ्रेंड्स, आज हम यामाहा मोटिफ XS6 ये कीबोर्ड में कुछ टोन मॉडिफिकेशन के लिए या टोन एडिटिंग के लिए कोई पैरामीटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कुछ काम करना है। तो जैसे मैं मेरे प्रीवियस पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर हम टोन सिलेक्शन करना है तो या तो कैटेगरी में से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर हम यहाँ से ये कैटेगरी सर्च करेंगे तो फिर हमारे सामने ये कैटेगरी आपने ओपन कर दिया। अब देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये ऐसा डिस्प्ले आता है हमारे सामने। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पियानो, कीज, ऑर्गन, गिटार, बास, और ये इस जैसे अभी स्ट्रिंग सेक्शन में है तो स्ट्रिंग सेक्शन में ये सोलो, एंसेम्बल, पीस्कोटो, देन सिंथ, अर्पेजियो और ये इस टाइप के यहाँ पर स्ट्रिंग्स है। अब जैसे अभी अपने सामने यहाँ पर जो साउंड ओपन है उसका सेव किया हुआ साउंड है यूजर वन में A05, ए बैंक में 05 नंबर पे स्ट्रिंग सेक्शन टू, ये नंबर का साउंड है। मैंने यहाँ पर ये इसलिए दोनों साउंड को साथ साथ में सेम नाम पे स्टोर किया है ताकि हम समझ सके कि टोन मॉडिफिकेशन के बाद उसमें क्या क्या और कितना फर्क आता है। तो जैसे अभी ये हो गया कंपनी का प्रीसेट साउंड, और जैसे मैंने याराना फिल्म का जो इंट्रो म्यूजिक है वो इसके ऊपर बजाने की कोशिश करी। आपको इतना ज्यादा अभी कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। और आइए फ्रेंड्स, अब हम ये साउंड को सिलेक्ट करते हैं जो 4 नंबर पे था, और यही 5 नंबर का साउंड हमने एडिट करके 4 नंबर पे स्टोर किया था। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। इतना फर्क हो गया। आइए एक बार नीचे का साउंड देखते हैं। ऊपर का साउंड देखते हैं। तो ये बहुत कुछ इतना ज्यादा खास इसमें चेंजेस नहीं किया था, फिर भी ये साउंड इतना अच्छा बन गया है। और तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये 5 नंबर का जो साउंड है उसको हम 4 नंबर के जैसा साउंड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये साउंड को सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आता है, और आप कोई भी साउंड को एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये एडिट बटन प्रेस करना है। एडिट बटन प्रेस करेंगे तो फिर आपके सामने ये ऐसा स्क्रीन आएगा। अब ये स्क्रीन में आप अगर नीचे का जो आपके नीचे का बटन सेलेक्ट करेंगे तो और फ्रेंड्स ये एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि ये कीबोर्ड के यहाँ पीछे की साइड में एक जो आपका डिस्प्ले है वो डिस्प्ले का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये इसको जूम होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको अब ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। तो जैसे हमने टोन एडिट का बटन प्रेस किया तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर ये आपको दिखा रहा है इसका वॉल्यूम है अभी 63। अब ये वॉल्यूम को अगर आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसको कर दिया हमने 127। अब क्या करते हैं, ये हो गया स्क्रीन अपना। बस पहले तो सिर्फ यहां से हमने बेसिक वॉल्यूम बढ़ाया तभी इतना चेंज हो गया है, और फिर हम इसको और क्या कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे इफेक्ट है, इफेक्ट में देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट दिए हुए हैं। ये इफेक्ट का मेन स्क्रीन है, और यहां पर जैसे इंसर्शन ए में यहां पर VCM EQ501 ये नंबर का एक इक्वलाइजर है, और नीचे आप देखेंगे तो एनसेम्बल डी ट्यून और यहां पर SRX हॉल, और यहां पर इंसर्शन बी में थ्रू है, मतलब वहां पर उन्होंने कोई इफेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले इंसर्शन वन में देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही विंटेज टाइप का ये डिस्प्ले इन्होंने बनाया हुआ है। हमें सर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम कोई एनालॉग कोई पैरामीटर के साथ किसी इंस्ट्रूमेंट को हम एडिट कर रहे हैं या उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट एंड राइट बटन से इसको नीचे लाएंगे। अब यहां से हम सबसे पहले आउटपुट गेन बढ़ाते हैं। बस
बस यहीं से ही ऑलमोस्ट जो हम चाहते थे वो हो चुका है। हम मैंने अभी 8.3 dB उसका गेन बढ़ाया है। आइए हम यहाँ से और साइड में चलते हैं। तो ये इक्वलाइजर का गेन है। अब जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी को हम अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बेजी साउंड चाहिए तो। फिर बाद में इसके बाद में है जो ये मिड फ्रीक्वेंसी है, इसको भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं जितना आपको आपको ठीक लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो बस मैं ये समझ रहा हूं कि आपको इतने से थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम इक्वलाइजर को सिर्फ यहां से बढ़ाते हैं तो क्या होता है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप फ्रेंड्स, ये सैंड का बटन है सबसे पहले ये यहां पर। अब जब तक आप इसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका जो इफेक्ट है वो भी इतना ज्यादा नहीं आएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल है, इसमें कोई इतना ज्यादा कोई परेशानी वाला काम जहां तक मैं वर्किंग कर रहा हूं मुझे नहीं लग रहा है, और आपको भी कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ये कीबोर्ड के टोन को एडिट करने में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन सब के ऊपर बहुत काम करते चलेंगे। तो बस फ्रेंड्स, ये आपके सामने टोन आया अभी स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग के साउंड को हमने जो रफली एडिट किया है, कोई ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट का टाइम लगा है, और इतने में ही हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट यहां से ऑलरेडी बन चुका है। अब यही साउंड को एग्जिट करते हैं हम, इसको एक बार बैक करके वापस उसी जगह पे ला देते हैं कि जो था। बस तो आप समझ रहे हैं कि कितना ये कंपनी प्रीसेट साउंड है, लेकिन हम अगर अपने हिसाब से उसको अगर कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने अभी अभी रिसेंटली इसके ऊपर काम करना चालू किया है। तो जैसे फ्रेंड्स, ये है ट्रम्पेट का साउंड, ये कंपनी प्रीसेट है, और उसी टोन को मैंने जो एडिट किया है। तो अभी आप इसका साउंड शायद मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको सुनाई देगा, या मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं। और वापस हम देखते हैं प्रीसेट साउंड ये था। वापस 2 नंबर, फिर तो बस फ्रेंड्स, ये है ये कीबोर्ड में जहां तक मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छे साउंड हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, और जितना अगर आपको मर्जी है उतना आप इसमें काम कर सकते हैं। सैम्पलिंग का फीचर भी है, तो सैम्पलिंग करके भी आपको जो कुछ करना है वो इस कीबोर्ड में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि शायद आज का ये एक छोटा सा सेशन आपको कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, और आगे फिर हम और भी कुछ साउंड्स के ऊपर काम करेंगे। और जैसा कि अभी इसमें एक फ्लूट का साउंड भी मैंने डेवलप किया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ये इसका कंपनी का प्रीसेट। और ये स्ट्रिंग है, बेजी और बहुत ही पावरफुल साउंड इसमें से अभी डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स, और मैं ये काम को बहुत एंजॉय कर रहा हूं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।